हौसले के तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रखो, हौसले के तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रखो, हार जाओ चाहे ज़िंदगी में सब कुछ, हार जाओ चाहे ज़िंदगी में सब कुछ, मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रखो। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, CMP ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम आप लोगों को क्लास 10th का हिस्ट्री का भारत में राष्ट्रवाद चैप्टर का ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आए हैं। चलिए पहला प्रश्न है, गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की? गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की? आंसर हो जाएगा लाला हरदयाल 1913 ईस्वी में। ठीक है, किसने किया था? लाला हरदयाल ने 1913 ईस्वी में। दो नंबर प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था? आंसर हो जाएगा इसका 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। तीन नंबर प्रश्न है, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? 1916 ईस्वी में। लखनऊ समझौता कब हुआ था? 1916 ईस्वी में। चार नंबर प्रश्न है, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? आंसर हो जाएगा सितंबर 1920 ईस्वी कोलकाता अधिवेशन, सितंबर 1920 ईस्वी कोलकाता अधिवेशन। पांच नंबर प्रश्न है, भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ था? भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ था? आंसर हो जाएगा 1920 ईस्वी में तुर्की। ठीक है, 1920 ईस्वी में तुर्की। छः नंबर प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ? सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ? आंसर हो जाएगा 1930 ईस्वी दांडी यात्रा। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है 1930 ईस्वी में शुरू हुआ, किस यात्रा से? दांडी यात्रा। सात नंबर प्रश्न है, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? आंसर हो जाएगा 1929 लाहौर अधिवेशन, 1929 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव रखा गया था। आठ नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? आंसर हो जाएगा 1925 ईस्वी में कौन किया था? KV हेडगवार। किसने किया था? 1925 ईस्वी में KV हेडगवार। नौ नंबर प्रश्न है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई?
सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई? आंसर हो जाएगा बारदौली। ठीक है, 10 नंबर प्रश्न है, रंपा विद्रोह कब हुआ था? रंपा विद्रोह 1916 ईस्वी में हुआ था। होम रूल लीग की 11 नंबर प्रश्न है, होम रूल लीग आंदोलन की शुरुआत किसने किया था? होम रूल लीग आंदोलन की शुरुआत किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने। होम रूल लीग की आंदोलन की शुरुआत किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने। भारत 12 नंबर प्रश्न है, भारत में खिलाफत आंदोलन के नेता कौन थे? 12 नंबर जो प्रश्न है, भारत में खिलाफत आंदोलन के नेता कौन थे? अली बंधु। ठीक है, कौन थे? अली बंधु। 13 नंबर प्रश्न है, साइमन कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? साइमन कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर होगा सर जॉन साइमन। कौन थे? सर जॉन साइमन। 14 नंबर प्रश्न आपका है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? डब्ल्यू सी बनर्जी। कौन थे? डब्ल्यू सी बनर्जी। 15 नंबर प्रश्न है, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ? अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ? 11 अप्रैल 1936 ईस्वी में। ठीक है, 11 अप्रैल 1936 ईस्वी में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ। 16 नंबर प्रश्न है, खोंड विद्रोह कहाँ और कब हुआ था? खोंड विद्रोह कहाँ और कब हुआ था? उड़ीसा में 1914 ईस्वी में। 17 नंबर प्रश्न है, चौरी चौरा हत्याकांड कब हुआ था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, चौरी चौरा हत्याकांड कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 ईस्वी में। ठीक है, 5 फरवरी 1922 ईस्वी में चौरी चौरा हत्याकांड हुआ था। 18 नंबर प्रश्न है, बंगाल विभाजन वापस कब लिया गया? बंगाल विभाजन वापस कब लिया गया? आंसर हो जाएगा इसका 1911 ईस्वी में। बंगाल विभाजन जो 1905 ईस्वी में हुआ था, उसको वापस कब लिया गया? 1911 ईस्वी में। 19 नंबर प्रश्न है, मोपला विद्रोह कब हुआ था? आंसर हो जाएगा 1915 ईस्वी में। मोपला विद्रोह कब हुआ था? 1915 ईस्वी में। 20 नंबर प्रश्न है, स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था? स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था? आंसर हो जाएगा 1923 ईस्वी में इलाहाबाद में। 1923 ईस्वी में इलाहाबाद में स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन हुआ था। ठीक है, थैंक यू।